तो आज मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्शन प्रो ब्रांड का GoPro 9 10 सपोर्टेड केस, जो कि आप मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने बाकी के किसी भी व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब नॉर्मली सबको पता है कि ट्रैवलिंग और आजकल मोटो व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है मार्केट में, तो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि आप GoPro को लेकर मोटो व्लॉगिंग कैसे करें। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है, ये केस, जिसमें आपको मोटो व्लॉगिंग बहुत ईजी हो जाती है। कि आप जहाँ तक आप जानते हैं कि कैमरे का माइक इतना अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो हम आउटसाइड में एक्सटर्नल माइक लगाते हैं, और नाइट में भी इशू आता है। GoPro का नाइट विजन उन्होंने बहुत अच्छे करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जितनी हमें चाहिए होती है उतना नहीं आता। तो हाँ, हम उसमें एक लाइट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो कैसे इसमें लाइट अटैच होती है, आप माइक्रोफोन कैसे अटैच करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये एक वन ऑन सोल्यूशन है, ठीक है। इस केस की मदद से आप सब कुछ कर पाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये केस है, ठीक है, ये एक्शन प्रो ब्रांड का ये केस है, ठीक है। पहले तो इसमें क्या है, ये जो ऊपर की चीज़ है ये रिमूवेबल होती है, इसे हम ऐसे रिमूव कर लेते हैं, ओके। अब रिमूव करने के बाद जो बेसिक थिंग आती है, इसमें हमें कैमरा कैसे अटैच करना है। तो कैमरा अटैच करने का इसे साइड में रखते हैं। ऊपर ये बटन दिया हुआ है, अब इस बटन को हमें बस थोड़ा सा साइड में करना है और इसे ओपन कर लेना है। ये ओपन हो गया हमारा केस, ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और इसमें है, साइड में भी एक बटन दे रखा है जहाँ पे आपका बैटरी रिमूव आप कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज़ एक ये भी है कि इसमें GoPro में आपका क्या होता है, जैसे ये साइड में ये जो कवर होता है, जैसे आप बैटरी इजीली डाल के रिमूव कर सकते हैं, इसको आप खोलना है आपको, ठीक है, और इसको बस थोड़ा सा खींचना है और ये बिल्कुल अलग हो जाएगा सेपरेट। अब यहाँ पर आपको सिर्फ बैटरी नज़र आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर एक केस पे कवर, बैटरी कवर प्रोवाइड कर दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हमें साइड वाला पहले खोलना है, ठीक है। इसको हमने खोला, प्रेस किया और ये ओपन कर दिया, अब ये लिड खुल गई है। अब इसमें क्या करना है, आपने GoPro लिया अपना, GoPro इसमें डाला और इसे बस बंद कर दिया। अब ये आपका बंद हो गया और साइड में जो बैटरी केस है ये देखिए, इसमें इतना इजी कर दिया आपके लिए। क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये आता था केस लगाने के बाद, लोगों को जो केस था पहले जो आता था उसमें ये प्रॉब्लम रहती थी कि बार बार GoPro निकालना डालना, बिकॉज बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर हम हाई क्वालिटी वीडियोस बना रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, ये सिंपल कर दिया है। अब इसको आराम से खोला और इसको बंद कर दिया, ठीक है। यहीं से बैटरी हम निकाल के, मेमोरी कार्ड निकाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है इसमें कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ से आप अपना USB केबल सी टाइप डालकर इसे चार्ज भी कर पाएंगे और मेमोरी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी भी आपको वीडियोस को शेयर करनी है, अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे शेयर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केस में लगा रहने देना है। यहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हो और डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ये केस आपको बहुत ईजी पड़ जाता है बाकी सब चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और मिट्टी होती है, तो स्क्रैच भी सबसे ज़्यादा यही पड़ता है। अब इसमें क्या करना है, हमने मेन चीज़ ये है जिसके लिए ये केस फेमस है, राइट। इस केस में सबसे बड़ी इशू ये रहती है मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे कि आपका ये जो GoPro अडाप्टर है, राइट, इसको फिक्सिंग का इशू है। पहले क्या होता था, ये इधर उधर झूलता रहता था, ठीक है। अब झूलने की वजह से क्या होता था, लोग हेलमेट पे कहीं यहाँ पे चिपका लेते थे, कभी यहाँ पे चिपका लेते थे, और वो बहुत ऑकवर्ड लगता था। अब इसमें क्या है, नीचे ये स्पेस दे रखी है। ये जो स्पेस देने का मतलब ये हो गया, इसमें ये आपने GoPro अडाप्टर, आपको बस कुछ नहीं करना, इसको बस डालना है। अब ये GoPro अडाप्टर देखिए इसमें चला गया, ठीक है। और जाने के बाद आपको ये जो साइड में जो होल दे रखा है ना सी टाइप, बस ये सी टाइप होल में इसको पुट कर देना है। अब ये आपका सी टाइप में, मैं लगा देता हूँ, ये आपका सी टाइप में लग गया, ये देखिए अब ये परफेक्ट फिट हो गया। अब सबसे बेसिक थिंग, आपका ये अडाप्टर इधर उधर झूलेगा नहीं, आपको चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मेरा हीरो 10 इसमें जा चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आती है माउंट की। अब यहाँ पे आप देख रहे हो चिन माउंट ऑलरेडी अटैच है, राइट। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ये लगाया मैंने अपने चिन माउंट में, एक स्क्रू लेकर मुझे फिक्स कर देना है, ये मैं फिक्स कर देता हूँ इसमें, और ये मैंने फिक्स कर दिया,
राइट। अब इसमें मैंने जो अपने जो लाइक जिसमें मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ है वो वाला मैंने ये वायर निकाला और मैंने इसमें अडॉप्टर में हमने फिक्स कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, राइट। इतना नीट है और देखिए आगे गैप भी बहुत कम है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस के वजह से आपको प्रॉब्लम भी बहुत कम होगा। सेकेंड थिंग, एक और चीज़ आपकी आती है कि आपको इसमें लाइक बैटरी चेंज करनी है मोटर राइड करते समय। अब बेसिक थिंग रहता है कि आप राइड पे जा रहे हैं, लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपना चार्जर तो लगाएंगे, आप बैटरी भी चेंज करें। तो बैटरी चार्जिंग के लिए सबसे ईजी टिप ये है कि ये आपको बैटरी लाइक रिमूव, जैसे आपको न्यू बैटरी लगानी है तो उसको आपको निकालना है सिंपल। इसका साइड का लिड खोलना है और साइड का लिड खोलते ही आपकी ये देखिए ये बैटरी है, ये बैटरी बाहर आ गई, राइट। कुछ नहीं, बैटरी इजीली बाहर आ गई। अब आपने बैटरी रिप्लेस की और ये बंद किया और आपने ये जो अडोप्टर है उसका प्लग ये लगा देंगे और ये आपका रेडी, राइट। कुछ नहीं किया, बस साइड में ओपन किया, बैटरी चेंज की और आप रेडी टू गो, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें आपको मतलब कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत ही ईजी एंड फास्ट सेटअप है, राइट। अब सेकंड थिंग आपकी ये आती है जो आपका लेंस है आपको यूज़ नहीं करना, तो एक एक प्रोटेक्शन कवर भी इसके साथ में आता है, जिसमें क्या है आपको जैसे यूलान जी केस के आगे ये आपने प्रोटेक्शन कवर ये लिया और लेंस पे ये बंद कर दिया, अब आपका लेंस बिल्कुल सिक्योर है। तो ये लेंस प्रोटेक्शन भी इसके साथ ही आती है पैक में, ठीक है। अब जैसे ये यूलान जी केस है, ठीक है, अब इसमें दो माउंट्स भी दे रखे हैं, शू माउंट्स, जिसके वजह से क्या है आप इसका और भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सारे के सारे मोटो व्लॉगर्स हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मली व्लॉगिंग करना भी पसंद करते हैं और लाइक और भी बहुत कुछ करना पसंद करते हैं, तो उनको नाइट शूट्स भी करने हैं, रिकॉर्ड्स भी करने हैं अपने मूवमेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये और कहाँ कहाँ यूज़ हो पाएगा। अब हमने ये निकाल के अब हेलमेट रख दिया हमने साइड में, ठीक है। अब अगर हम नॉर्मल यूसेज की बात करें, ठीक है, ये हमारा सेटअप रेडी है। अब इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है, अडॉप्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसमें क्या करना है हमने, सबसे पहली बात अगर हम नाइट वीडियो की बात करते हैं तो ये एलईडी लाइट आती है जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर सक पाएंगे। तो इसमें भी इसमें दो शू माउंट दे रखे हैं। अब उसमें क्या है, जैसे एक साइड में आपने ये लाइट लगा दी, ठीक है, ये लाइट आपने एक साइड में लगा दिया, ठीक है, अब ये एलईडी लाइट लग गई है। इससे क्या है, अब आपका नाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आप नाइट में कोई भी वीडियो लगोगे तो वो लाइट है आपके लिए, ठीक है। अब रही स्पीकर की, तो हम माइक्रोफोन लेते हैं और माइक्रोफोन लगा लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन्स आते हैं मार्केट में, बट हम एक ये ब्रांड का है जो हमारा लाइक खुद का सेल्फ ब्रांड है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये माइक लिया और हमने ये माइक अडॉप्टर में हम इसे लगा देते हैं पीछे से घुमा के और ये लगा दिया। अब ये पूरा का पूरा आपका एक व्लॉगिंग सेटअप बन चुका है, ऊपर माइक भी लगा हुआ है, एलईडी लाइट भी लगी और आपका गोप्रो भी रेडी है, राइट। अब इसमें क्या है, अब आती है एक माउंट कहाँ पे करें, तो ये जैसे ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड पे हमने ये लगाया, ठीक है, और ट्राईपॉड पे लगाने के बाद इसको हम स्क्रू पे टाइट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये मैं टाइट कर रहा हूँ इसको, राइट, ये ट्राईपॉड है हमारा जिस पे हम इसे टाइट कर रहे हैं, तो ये हम फुल टाइट कर देते हैं ताकि हमारा गोप्रो शेक ना करे। अब ये देखिए पूरा का पूरा एक सेटअप बन चुका है, कितना लाइक कितना प्यारा सेटअप लग रहा है ये, कि आपका गोप्रो भी है उसमें आपका। जैसे मैं रिमूव कर देता हूँ ये कवर, ये देखिए आपका गोप्रो भी इसमें लगा हुआ है ना, और एक एलईडी लाइट भी है और एक स्पीकर भी है। लाइट जला के मैं दिखाता हूँ आपको कितनी पावरफुल है, काफ़ी पावरफुल है इसकी लाइट, ठीक है, ये देखिए। वैसे मोड्स भी बहुत सारे हैं। अब इसमें क्या है, ये लाइट ऑन हो गई है, अब गोप्रो ऑन करना है तो गोप्रो ऑन कर लेते हैं हम, ठीक है, हमारा गोप्रो भी ऑन है इस टाइम, ठीक है।
अब इस GoPro भी ऑन है और हमारा माइक भी ऑन है सपोज, अब क्या है जो भी हम बात कर रहे हैं वो इस टाइम इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, मोटो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे भी, तो परफेक्ट सेटअप है आपके मोटो ब्लॉगिंग के लिए, राइट। आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अपना नॉर्मल ट्रैवलिंग वीडियो जो भी है आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहाँ लोग लाइक कहीं भी जा रहे हैं घूमने, अपना अपने व्लॉग्स करने हैं तो GoPro यूज़ करते हैं आजकल, तो वो चीज़ अच्छी है। मोटो व्लॉग में अपना बाइक के पीछे रोक कर आप लाइक पीछे बैठे बैठे अपने पैसेंजर को दे सकते हैं, कार में बैठ कर आप व्लॉगिंग कर सकते हैं इससे, तो दिस इज़ द बेस्ट सेटअप फॉर लाइक व्लॉगर्स नाउ डेज, राइट। अब इसमें अगर हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, इसमें बंद कर देता हूँ मैं LED लाइट, राइट, LED लाइट बंद हो गई हमारी। अब इसमें एक और बेसिक थिंग आ जाती है कि ये चीज़ भी एक मिलती है इसमें, ठीक है, जिसके वजह से क्या है आप अपना जो भी एक कैमरा है, ठीक है, इसके फ्रंट में आप लगा सकते हैं और जैसे आप देखते हैं आपकी UV प्रोटेक्शन लोग यूज़ करते हैं, धूप की रोशनी बहुत तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कई बार वो कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाता है, बहुत कुछ लाइक डैमेज हो जाती है आपकी वीडियो, तो उसके लिए UV प्रोटेक्शन जैसे UV ये लाइक मिरर्स होते हैं जो कि हम भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये GoPro Hero 5-6 में भी आप यूज़ कर सकते हो और ये आपका 8K ओनली यूलानजी केस में यूज़ होगा और कहीं यूज़ नहीं होगा। इसमें क्या करना है, ये चीज़ लगाई आपने और इसमें लगाकर आपने बस ये फिट कर देनी है, ये आपका UV रेज से आपको प्रोटेक्शन देता है और बाकी भी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा इसमें। अब इसमें ये देखिए ये फिक्स हो गया, अब इसमें फिक्स होने की वजह से क्या हुआ, एक तो प्रोटेक्शन हो गई इसकी और UV से भी आपका बचेगा। तो ये थे कुछ इसके लाइक फ़ायदे कि आप इस सेटअप से आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे आप एक पर्सनल अपना व्लॉगिंग सेटअप बना सकते हैं, इस पे यूज़ कर सकते हैं, मोनोपॉड्स पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं व्लॉगिंग केस को और अपने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आजकल वैसे भी यूट्यूब वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो मोटो व्लॉगिंग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया हेलमेट पे कैसा लगेगा और नॉर्मल आपकी लाइक ट्रैवल करते हुए आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, तो वो भी आपको मैंने बता ही दिया, पूरा सेटअप आपके सामने रेडी है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन द मार्केट जब आप व्लॉगिंग करने के लिए निकलते हो विद GoPro, ठीक है। ये हमने लाइक अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, मार्केट में बिल्कुल न्यू है ये। GoPro Hero 9 और 10 में सपोर्टेबल है और किसी हीरो में नहीं लगेगा ये, क्योंकि GoPro Hero 9 और 10 का साइज़ बिल्कुल सेम है, तो दोनों में आप ये सेम यूज़ कर सकते हो। इसके परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हमारी वेबसाइट, पेटीएम से खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इंस्टा को फॉलो करिए, बिकॉज वहाँ पर लेटेस्ट वीडियो और न्यू लॉन्चेस टाइम टू टाइम होते रहते हैं। थैंक यू।